Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अब एक और चीज है, अब ये एक ऐसे है, ठीक है, एक्सरसाइजेस फॉर हेल्दी लिविंग, राइट। अब इसमें मुझे करना क्या है, अब ये एक बड़ा पीस है, मैंने इसको एक पेपर के मिड में लिख लिया है कि एक्सरसाइज फॉर हेल्थी लिविंग। अब बीच में मैंने और मेरे माइंड में क्या आइडियाज आए हैं कि भाई ये एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट होती है, या एक्सरसाइज की टाइप्स क्या होती हैं, या कितने टाइम, मतलब कब 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 दिन में कितनी बार या वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, और डेंजर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक मेन चीज है जो मेरे माइंड में आई। फिर उसके बाद मैंने आगे उनको भी सब टाइटल्स में कर दिया है कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके मैंने रीजन लिख दिए हैं कि हेल्दी लाइफ या हैप्पियर लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इनएक्टिविटी उसके लिए, ये सारी चीजें। फिर मैंने डिफरेंट टाइप में लिख दिया कि एरोबिक्स होती है, योगा होती है, वेट ट्रेनिंग, ये जो भी, ठीक है। और नीचे मैंने लिखा हुआ लेटेस्ट ट्रेंड इन फिटनेस इंडस्ट्री, ये भी मेरे माइंड में आया था, मैंने ये चीज भी लिख दी। अब मुझे करना ये है कि अब मुझे आगे इन दोनों चीजों को अपने माइंड में रखना है कि एक लेटर है और एक एसे है। अब ये दोनों चीजें का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर एक चीज का बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी पावर फॉर्मूला हर चीज पे कैसे अप्लाई होता है। तो आपने इन दोनों चीजों को इस तरह से लेके चलना है कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आपने पावर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब ये एक एसे है और एक लेटर है। अब मैंने ये सारी चीजें लिख दी है, मतलब ये मुझे एक दो तीन चार पांच चीजें, पांच मेन जो चीजें हैं वो मेरे माइंड में आई हैं एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लिविंग के लिए। तो मैंने ये पांच चीजें पेपर पे लिख दी है, और उसके बाद उनको आगे भी लिख दिया कि भाई क्या क्या चीजें आगे, उसको मैंने और उसको सब टाइटल्स में कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि अब मुझे ये करना है कि इसमें से मुझे जो चीज जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चीज है, वो ओमिट कर देनी है। अब मुझे इसमें से लगा कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड इन फिटनेस इंडस्ट्री, ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज का है तो उसमें मुझे ये चीज नहीं डालनी चाहिए, तो मैंने ये चीज उसमें से हटा दी। अब ये दोनों मैंने यहाँ पर रख दी है कि भाई किस तरह से हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब वो जो उस वाले में से कार्ला का बताया गया कि कार्ला जा रही है कोई वेकेशन पे जा रही है, वो चीज मैंने लेटर में से हटा दी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बॉस को ये चीजें बतानी है कि एक तो वो हैप्पी नहीं है हमारी कस्टमर सर्विसेज से, एक ये कि हमने रिन्यूअल के लिए वो चीज डिस्कस की है, एक ये कि उसको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें, और सॉफ्टवेयर में वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये कह रही है कि उसको डिस्काउंट भी चाहिए। और फिर एंड पे मैंने उसे बता दिया कि मैं आपको और जो मार्क है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। और एक्सरसाइज वाले ऐसे में से मैंने वो लेटेस्ट ट्रेंड इन फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो वाली चीज ओमिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये गैर जरूरी चीज है। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कि मुझे इसमें से सबसे पहले जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको निकाल देना है, उसके बाद जो जरूरी चीजें हैं उनको हाईलाइट कर देना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें उनको हाईलाइट करना है, और उसके बाद जो है वो इनको असेंबल करना है कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में, ठीक है। और अब ये मेरा स्लाइड्स आगे नहीं चल रही हुआ है, सही। अच्छा, ऐसा है कि अब ऑर्गेनाइज करें, अब हमने यही चीजें जो मैंने आपको बताई है कि बिल्कुल जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हमने निकाल दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को हमने मार्क कर दिया है, और आइडियाज को हमने लॉजिकली अरेंज करना है कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में। अब यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर मैंने डिस्कस रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बोल्ड कर दिया है, और वो अपडेट से खुश है, ये चीज भी मैंने बोल्ड कर दिया है, और कस्टमर सर्विस से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और न्यू सॉफ्टवेयर में वो इंटरेस्टेड है, ये चीजें मैंने बोल्ड कर दिया है। अब बाकी जो मैंने उसे जवाब दिए हैं वो मैंने बाद के लिए रख दिया कि ये चीजें मेन है और ये चीजें बाद की हैं, ठीक है। इसमें से भी मैंने ये, अब मैंने इसको मार्क कर दिया कि सबसे पहले मैंने क्या किस तरह से रखना है। मैं इसको अब असेंबल कर रही हूँ कि डेंजर्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे पहले होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे उसके टाइप्स बतानी चाहिए, और चौथे नंबर पे ये काम होना चाहिए, ठीक है, कि कितनी कब कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, वीक में कितनी बार करनी चाहिए, दिन में कितनी बार करनी चाहिए, ठीक है। अब ये है कि यहां से हमने देखा है कि हम
गुड आउटलाइन हमें कैसे मिलेगी कि आपको जितने भी आइडियाज आपको आपको चाहिए ना, जो आपने लिखने हैं, ऐसे हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, या लेटर हो गया, या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया, पहले अपने अपने माइंड को अपने तैयार किया है, आपको जो भी आइडियाज उससे रिलेटेड आ रहे हैं आपने वो लिख लिए हैं, उसके बाद आपने उनको ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले आपने उनमें से जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो भी आपने आइडियाज डाले हैं, गैर जरूरी चीजों को आपने बिल्कुल अभी इस चीज का ख्याल नहीं करना कि ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, या कुछ भी। आपने सिर्फ उनको एक आउटलाइन देनी है जो भी आप लिख रहे हो। आपने बिल्कुल भी अभी इस चीज को इस स्टेज पे नहीं सोचना कि आपने कैसे उसको आगे जाके लिखना, या आपने बिल्कुल ही स्टार्ट से लिखना स्टार्ट कर दिया, वो चीज आपने नहीं करनी। अभी आपने सिर्फ अपने माइंड को प्रिपेयर किया है, उसमें से आइडियाज लिए, जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं आपने उसको लिखा है, उनको लिखने के बाद आपने जो गैर जरूरी चीजें वो निकाल दी हैं, जो जरूरी चीजें उनको मार्क किया है, और उसके बाद आपने उसको असेंबल करना है कि कौन सी चीज पहले होनी चाहिए और कौन सी चीज बाद में होनी चाहिए। अब आपके पास जो भी, अब एंड पे आपने जब ये सारा कुछ कर लिया है तो आपके पास एक गुड आउटलाइन आ गई है। यहाँ पे आपको ये पता चला है कि भाई जो भी चीजें आपको चाहिए ना वो आपको यहाँ पे मिल चुकी हुई है। अब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको और इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप इससे कंप्लीट कर लोगे। अब आपका वो आउटलाइन जो है वो स्ट्रक्चर किया हुआ है, लाइक जैसे कि आपने पहले की चीजें लिख ली हैं, मेन आइडियाज को भी मार्क कर लिया है, और ये सारा कुछ आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि अब हमारे पास, अब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तो हमारे पास एक मेन चीजें आ गई है कि हमारे पास एक जो भी आइडियाज हमारे पास थे वो हम लोगों ने उसको एक लाइन में लिख लिया है, या हमने इस तरह कर लिया कि कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी चीज बाद में होगी, वो हमने सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है। अब एक गुड आउटलाइन हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले हमारे पास आइडियाज होने चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन उसके लिए बनानी है। उसके लिए वो जो तीन स्टेप्स थे कि उसमें से अननेसेसरी चीजें निकाल देनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजों को पॉइंट आउट कर देना है, और कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में ये भी सेट कर देना है। जितने भी हमें उसके लिए चीजें चाहिए वो हमें वहां पे लिखी होनी चाहिए, कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमने ऑर्गेनाइज के लेवल तक हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देन अब हमने ये अपना लेटर देखा है, हमारे पास ये हमें पता है कि भाई हमने जो मेन चीजें हैं उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, और बाकी जो थोड़ी अननेसेसरी चीजें थी कि जो कार्ला है वो जा रही है कहीं पे भी हॉलीडे पे, तो वो हमें बिल्कुल भी ये चीज चाहिए नहीं, तो हमने उस चीज को हटा दिया, और लेटर का ये हमारे पास एक सही से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक चीज आ गई है। अब इसमें आपने बिल्कुल भी लाइक जैसे होता है ना कि एक सेंटेंसेस लिखने होते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ बनाने होते हैं, ये चीजें करने की अभी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी सिर्फ हमने अपने आइडियाज को वहां पे लिखा है, क्योंकि होता ये है कि अगर हमें एक चीज मिलती है ना लिखने को, तो हम लोग जब उस टाइम लिखने लगते हैं तो हमारे पास बहुत ढेर सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो फिर हमें कुछ आ नहीं रहा होता और बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। तो इसके लिए ये पावर फॉर्मूला यूज होता है कि सबसे पहले अपने माइंड को आपने प्रिपेयर किया, सेट किया, देन आपने जब उसको वहां पे अपने आइडियाज पुट किए, तो आपने उसको ये नहीं करना कि आप उसी टाइम देखने लग जाओ, नहीं यहाँ पे तो मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, ये तो मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं लिखा। यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया दिया हुआ है कि ये आइडिया है और आपने इस पे लिखा। अब आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपने आपके माइंड में उस टाइम क्या आइडिया आया था जब आप सोच रहे थे, ठीक है। आपने ये सारी चीजें लिखी, फिर उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया, जो नहीं काम की चीजें थी उन्हें हटा दिया, जो काम की चीजें थी उन्हें टॉप पे रखा, लाइक उनको बोल्ड कर दिया, उनको हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हम आप बाद में जाएंगे कि हमने लिखना कैसे है, पैराग्राफिंग वगैरह कैसे करनी है, वो चीजें हम बाद में करेंगे, ठीक है।